बहुत शुक्रिया किरण। और जो मेरे अगले मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, अहमद अय्यूब साहब, वेरी फेमस चीफ एग्जीक्यूटिव एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी के को फाउंडर हैं, सॉरी, एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के। और बड़ा इनका क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन है इनोवेशन के हवाले से एयरलिफ्ट का, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर, और बड़ी जल्दी इन्होंने अपना एक नाम पैदा किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि एयरलिफ्ट को भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अहमद साहब, पहली तो बात ये वेलकम ऑन द शो। इस वक्त जी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अब हिम्मत पकड़ रहे हैं, यानी जिसको जी कहें कि आपने भी एक पहला स्टेप लिया था कुछ बिल्कुल साल पहले। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपना वो पहला स्टेप, और उसमें क्या खौफ था, क्या उसमें एक्साइटमेंट थी, क्यों आपने ये कदम उठाया, और किस तरीके से आप इन बच्चों को जो ये अब आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, उनको आप कैसे इनक्रेज करेंगे कि ये स्टेप लें और कैसे लें? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तकरीबन 3 साल पहले मैंने अपनी जॉब क्विट की, और यहाँ पे एक बड़ी साइजेबल कंपनी है, टेन पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं वहाँ पे कंट्री मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहा था। और वो पहला स्टेप था कि जब मुझे लगा कि यार मुझे जॉब से निकलना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए। दैट वाज नॉट एयरलिफ्ट जब मैं ये काम करना शुरू करने वाला था, तो वो एक बड़ी ट्रांजिशन थी टू लीव योर जॉब एंड एक्चुअली ट्राई टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। आई वांटेड टू स्टार्ट अ सर्विसेज कंपनी। लेकिन जो पहला फियर होता है ना आपके अंदर, वो ये होता है कि हमारे हमारी इनकम का क्या होगा। ये जो सैलरी, स्पेशली जिन लोगों के पास अभी ऑलरेडी सैलरी है, कुछ तो होंगे जो बिल्कुल ही फ्रेशर होंगे, कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब्स पे होंगे, तो पहला खौफ ये होता है कि सैलरी नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा। तो उस फियर से आपको पहले निकलना होगा, और कुछ हद तक आपको अपने आप को बहुत मोटिवेट करना है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी स्टार्टअप, ये कमज़ोर दिल अफराद के लिए नहीं है। यू हैव टू बी सुपर डिटर्मिंड कि ये आपको करना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब ज़्यादातर लोग आपको इससे डिस्करेज करेंगे। वो आपको इससे डिस्करेज इसलिए करेंगे क्योंकि लोग मुश्किल चीज़ करते हुए घबराते हैं, ठीक है। और यही तो आपका टेस्ट है। अगर आप स्टीव जॉब्स की, आप डिफरेंट स्पीकर्स की डिफरेंट वीडियोस देखें मुख्तलिफ जगह पे, तो आपको बार बार ये मिलेगा, फाइंड योर पैशन, फाइंड अ रीज़न टू डू समथिंग। और मतलब मैं इसको इसलिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जब आप कोई स्टार्टअप बनाने जाते हैं, जब आप कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, आप एक्चुअली दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी और के ड्रीम में जॉब करने के बजाय आप एक अपना ड्रीम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत डिटर्मिंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपसे कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये मतलब मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ लोगों की जिनको बार बार लोगों ने कहा है कि फलाना चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। एंड देन दे फोर्स देमसेल्व्स टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। हमें अक्सर चीज़ें, जब हमने एयरलिफ्ट शुरू की तो लोग कहते थे कि ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ माफियाज होते हैं, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कराची में किस तरह लॉन्च करेंगे वगैरह। तो ये डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। टाइम एंड अगेन आपको लगता है कि नहीं यार अब डेड एंड आ गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जो स्विच टू, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, अपनी फैमिलीज को कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ मतलब इट शुड बी अ स्टोरी ओनली, ठीक है। आपके पास क्लियर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आपने जो बातें की हैं। मेरे ख़्याल में खौफ तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सैलरी ना आने का हो या कहाँ से पैसे आएंगे, दोनों सूरतों में ये एक बहुत
बड़ा खौफ है जिसको ओवरकम करना होता है। आई थिंक कि आपने कहा कि पैशन आपका जो है दैट वुड हेल्प इन ओवरकमिंग दैट फियर, और फिर गेटिंग रेडी फॉर द हार्ड वर्क। दिस इज़ नॉट अ रोजी पिक्चर, जैसे आपने कहा जी एंटरप्रेन्योर बनने चलें तो कोई ज़बरदस्त ऑफिस और बड़ी क्या कहते हैं अपना गाड़ियाँ और लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें। द रियलिटी इज़ एज यू सेड देर इज़ हार्डली एनी टाइम। तो जी जो कहिए। जो जो यंगस्टर्स हैं जो नॉर्मली डाटा चलाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल परसों में बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि एप्पल का जो मार्केट कैपिटल है वो $2 ट्रिलियन हो गया। दैट्स एन इनसेन अमाउंट। लाइक ट्रिलियन पहले वर्ड सुनने में नहीं आता था। इट्स $2 ट्रिलियन ऑफ एप्पल। उसके साथ ही आप स्टीव जॉब्स का एक बड़ी फेमस स्पीच थी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, जिसमें स्टीव जॉब्स कहता है कि मैं 7 किलोमीटर वॉक करके जाता था किसी आश्रम में क्योंकि वहाँ पे फ्री बिरयानी मिलती थी। ठीक है, तो वो वाला जो पोर्शन है ना वो सबको नहीं नज़र आता। 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप सबको नज़र आता है। इस पूरे दोनों के बीच में कोई 20 साल का टाइम फ्रेम है। उस 20 साल में एप्पल किस किस चीज़ से गुजरी वो आपको गुजारना है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट गो फॉर द फ्री बिरयानी एंड देन लुक एट द 2 ट्रिलियन। प्लीज प्लीज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपकी बात बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी, कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क आपको उसी वक्त आप करने के काबिल होंगे जब आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए पैशन होगा। अगर पैशन नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपने अहमद जब ये स्टार्ट किया तो आप लोग कितने लोग थे, और इनिशियली आपने क्या ड्रीम देखा था जिसने आपको ये जो हार्डशिप है जिसकी आप बात कर रहे हैं, दैट हार्डशिप बिकेम लिटिल ईजियर फॉर यू? बिल्कुल, एयरलिफ्ट जब स्टार्ट हुई थी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे हमारे पास टोटल दो दो लोग थे। एक एंड्रॉयड के हमारे डेवलपर थे, एक बैकएंड के, और बिजनेस साइड पे भी हमारे पास उस्मान के साथ दो और लोग थे, लम्स के ग्रेजुएट्स थे। तो ये तकरीबन आप समझें कि टोटल मिला के कोई 4 लोग थे। और सो व्हाट दे इनिशियली डिड वाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंपलेट डाले जाके घरों में, एक सर्वे किया, थोड़ा सा मार्केट को जज करने की कोशिश की कि किस जगह पे एक्चुअल नीड है इस चीज़ की। और जो जो आइडिया था वो एक्चुअली हमारे एक मेंटोर हैं, मेरे और उस्मान के कॉमन मेंटोर हैं, यूसुफ जान साहब। इज अ सीनियर सीनियर एंटरप्रेन्योर, काफ़ी कंपनीज वगैरह लॉन्च कर चुके हैं। ही इज नाउ इन न्यूयॉर्क। तो ये उनका एक्चुअली आइडिया था। ही वॉज वेरी डिटर्मिंड कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा गैप है, और उन्होंने इस चीज़ को पुश किया। जब हमने इसको थोड़ा सा फीडबैक लेनी शुरू की मार्केट में तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। तो एंड देन वी द गुड थिंग अबाउट हाउ वी डिड वॉज हाई स्पीड। हमने पहले दिन से, यानी कि जब हमने जनवरी के मिड में इसकी डेवलपमेंट शुरू की तो हमने 3 हफ्ते में एयरलिफ्ट को फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ कोड टू लॉन्च हमने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि हमने तकरीबन 18 फरवरी को हमने उसका फर्स्ट वर्जन, जो कि बहुत स्क्रैपी भी था, बहुत क्रैपी भी था, वो हमने लॉन्च कर दिया था लाहौर में। और उस दिन हमारे पास एक गाड़ी थी और उसमें 2 पैसेंजर्स आए थे। और ये था। बहुत ज़बरदस्त, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर ये चेंज आना ज़रूरी है। इट्स अबाउट टाइम दैट इट मस्ट हैपन। बहुत शुक्रिया अहमद। हम कुछ बच्चों को इनवाइट करते हैं ऑडियंस में से, देखते हैं कि उनके क्या सवाल आते हैं। बिल्कुल तो इसमें इस वक्त हमारे पास जो स्टूडेंट मौजूद हैं, नताशा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस टीम मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट में काफ़ी रहा है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उसमें टीम बिल्डिंग के लिए आप क्या ऐसे की पॉइंट्स बताना चाहेंगे, क्योंकि यही एक फेलियर पॉइंट है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स का, कि उनकी टीम स्ट्रांग नहीं होती और वो कोप अप करके काम नहीं कर पाते आगे। तो
तो व्हाट डू यू थिंक आर द मेन पॉइंट्स एवरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप शुड फॉलो टू सस्टेन देयर स्टार्टअप? बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और एक्चुअली दिस इज दी क्वेश्चन। आप कोई भी चीज बनाने जा रहे हो, आप तब जीतेंगे जब आपकी टीम पावरफुल है, और इसलिए बी सुपर सिलेक्टिव कि आप किसको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये 9 to 6 वाला काम नहीं है। और ये अगर आप एक एक साहब हैं पॉल ग्राहम, अगर आप नाम सुना स्टार्टअप्स के ऊपर, पॉल ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, paulgraham.com उनकी वेबसाइट भी है और उनका अगर ट्विटर भी फॉलो करें। मैं कल ही उनकी एक ट्वीट पढ़ रहा था और वो ये कह रहे थे कि यार अर्ली करियर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइटल्स ढूंढ रहे होते हैं अपने करियर के लिए कि उनको फलानी डेजिग्नेशन चाहिए, उनको फलाना रोल चाहिए। तो उनको अगर वो स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं ना, तो उनको एक रियलिटी चेक में आ जाना चाहिए, ये टाइटल से अबव है, ठीक है? मैं अपने नाम के साथ CTO नहीं लगाता, उस्मान में खान में भी को फाउंडर लिखते हैं, आई डोंट थिंक ही राइट CEO विद हिज नेम, लेकिन इट्स वे अबव टाइटल्स। अभी आफ्टर $20 million इन फंडिंग, हमने अभी पिछले दिनों एक मार्केटिंग कैंपेन की अस्करी 10 लाहौर में, जिसमें सुबह 6 बजे हमारे दोनों को फाउंडर्स, मेरे अलावा जो है मैं क्योंकि कराची में था, मेहर और उस्मान और हमारे 3 और कोलीग्स, उन्होंने घरों में जाके पंपलेट खुद डाले। तो टीम फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जीतते हैं तब जब आपके पास वो ब्रेन पावर होती है जो वो सोल्यूशन निकाल सके जो दूसरा नहीं निकाल सके, और आपको मिशन ड्रिवन लोग चाहिए। जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आप हाई इंटेग्रिटी के लोग देखें। एक और स्टूडेंट को लेते हैं हम क्विकली, हमारे पास टाइम कम है, और इस वक्त हमारे टीम ने पिक किया है सज्जाद अली को। सज्जाद अली आप आइए, अपना क्वेश्चन आपका कीजिए। मेरा नाम सज्जाद अली है और मैं स्वात से ताल्लुक रखता हूँ। मैं स्वात यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ और IdeaGest में को हार्टवर्ड में एज अ ट्रेनी हूँ, और मैं जिस स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ उसका नाम है टूर टेक, जो कि टूरिज्म से रिलेटेड एक मोबाइल ऐप है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने का कि हम सवाल करें आपसे। मेरा सवाल ये है कि जब आपने एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज को टेक ओवर कर लिया, तो उस वक्त आपने किस तरह के इनोवेशंस इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर लिए आपने, जिसकी वजह से ये उस बिजनेस का कम्पिटिटिव एज बना और इसमें यूनिकनेस आई, और वो आप इस बिजनेस को कामयाब करने का एक जरिया बना? बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। स्टार्टअप्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़बरदस्त है कि अगर आप एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं और वो करते हैं, लेकिन आइडिया की यूनिकनेस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी एग्जीक्यूशन पावर इम्पॉर्टेंट है। जो सोल्यूशन हम लेके आए थे एयरलिफ्ट, ऐसे ही बिल्कुल सोल्यूशन दुनिया में और जगह चल रहे हैं, ठीक है? इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। करीम है, करीम ने एक आइडिया जो कि ऊबर का आइडिया था, ऊबर उस वक्त 70-75 बिलियन डॉलर वर्थ की कंपनी थी, ऊबर को उन्हीं का आइडिया $3 बिलियन में बेच दिया, ठीक है? इसमें कोई यूनिकनेस नहीं थी। क्या किया करीम ने एज एन इनोवेशन या एज एन इनोवेटिव हाउस? ऊबर की इंजीनियरिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग थी, ऊबर की ऐप एज ऑफ टुडे भी ज़्यादा रिफाइंड है, ऊबर की इंजीनियरिंग टीम, ऊबर का मार्केट कैप और ऊबर की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी करीम से बहुत बड़ी थी। फिर क्यों उन्हें करीम को $3 बिलियन में कैप्चर करना पड़ा? क्यों? क्योंकि करीम ने उस ऐप को ऊबर से बेहतर एग्जीक्यूट किया उन मार्केट्स में जहाँ पे करीम थी। वाई? बिकॉज दे न्यू देयर कस्टमर्स। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐप में क्या इनोवेशन होनी चाहिए, सबसे पहले है कि आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए। अगर आप टूरिज्म की एक ऐप बना रहे हैं सजाद, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप टूरिज्म ऐप्स कौन सी हैं जो स्विट्जरलैंड में चल रही हैं, जो US में किसी डिफरेंट जगह पे चल रही हैं।
आप उनको उठाएं और आप अपनी ऐप को उठाएं और आप देखें कि कौन सी ऐप जल्दी लोड होती है, कौन सी ऐप ज़्यादा शार्प इमेजेस दिखा रही है, कौन सी ऐप ज़्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर वो नहीं है, ठीक है, देन मेक श्योर कि इट हैपन्स, क्योंकि पीपल डोंट केयर कि आपके पास 500 रुपये की फंडिंग है या 500 मिलियन की फंडिंग है। वो दो ऐप डाउनलोड करते हैं, उन्हें एक जैसा एक्सपीरियंस चाहिए। तो फर्स्ट नो योर कॉम्पिटिशन। तो पहला लेवल ऑफ इनोवेशन तो ये कि वहाँ तक आएँ जो ऑलरेडी बन चुका है, कि अभी तक आपको खुद सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं जो आपकी नीड है। उसके लिए यू नीड टू नो योर कस्टमर। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सवात में हैं और आप एक टूरिज्म ऐप बना रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कराची में एक बंदा है जिसको जून में सवात की एक वेकेशन बुक करनी पड़ती है, तो उसको क्या क्या ऑर्डील होता है। नो योर कस्टमर्स, ऑलवेज नो योर कस्टमर। आप अपनी ऐप, अपना प्रोडक्ट अपने लिए नहीं बना रहे, आप एंड यूज़र के लिए बना रहे हैं। सो ये क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच अहमद अयूब, आई अप्रिशिएट आपने हमारे बच्चों के साथ अपने ख्यालात शेयर किए। ये सब बच्चे इंशाल्लाह आपके नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे और आपको बाद में और भी दुआएं मिलेंगी इनसे। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आने का भी शुक्रिया और इन बच्चों के साथ बात करने का भी शुक्रिया। आखिरी अगर आप कोई बात कहना चाहें जाने से पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फॉर दिस स्मॉल इंटरव्यू, और आई होप आइडिया जिस अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो। जिस स्केल पे आप लोग ये करना चाह रहे हैं, उस स्केल पे कुछ भी करना आसान नहीं होता, लेकिन आसान दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो आई एम सुपर होपफुल अबाउट दिस। आई होप कि हम इसमें से बहुत सारे करीम और बहुत सारे, अभी एयरलिफ्ट तक मैं करीम के लेवल पे नहीं मार्क करता, लेकिन वो लोग निकलें और बहुत बड़ा मार्क बनाएं इंशाल्लाह पाकिस्तान के।